यूपी के जनपद संभल में पुलिस ने कातिल पत्नी का खुलासा किया है। पुलिस ने उसके पति की हत्या के आरोप में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में सिर झुकाए दिख रही इस महिला की मासूमियत पर मत जाइए। ये वही महिला है जिस पर आरोप है कि इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किसी और को नहीं बल्कि अपने ही पति को बेरहमी से मार डाला। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला थाना केला देवी क्षेत्र का है, जहां 12 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि सड़क किनारे एक सिरकटी लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। बाद में पुलिस को पता लगा कि मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने अपने ससुर के साथ थाने में 2 दिन पहले थाने में दर्ज कराई है। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मामला क्या है, लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तब सब सन्न रह गए। तस्वीरों में दिख रही यह महिला, जिसका नाम वैशाली है, जिसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि गांव के ही विक्रम नाम के युवक से करीब 3 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। वैशाली गांव में ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती थी। इसके प्रेमी विक्रम को वैशाली काफ़ी पसंद थी, इसलिए वह इसको लगातार मिलने आया करता था। लेकिन ये बात जब इसके पति प्रेम पाल को पता लगी तो वह इसको अक्सर मारा करता था। लगातार यह सिलसिला जारी रहा तो दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्रेम पाल को रास्ते से हटाने की सोच ली, जिसके बाद 10 अप्रैल की रात को आरोपी विक्रम चूहे मारने और बेहोशी की दवाई वैशाली को दे गया और दोनों ने योजना बनाकर प्रेम पाल के धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को खेत में फेंक दिया और पुलिस को सूचना दी। वही पति की गुमशुदगी का ड्रामा रचा गया। 2 दिन बाद दोनों शव के पास पहुंचे और शव को दूसरे स्थान थाना क्षेत्र मार्ग पर फेंक दिया और यह दर्शाने की कोशिश करी कि इस पर कोई वाहन चढ़ जाएगा और पुलिस को यह लगेगा कि एक्सीडेंट में प्रेम पाल की मौत हुई है, जिससे वह दोनों बच जाएंगे। लेकिन पुलिस की छानबीन में ऐसा नहीं हुआ और पुलिस ने दोनों का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में उपयोग धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। थाना केला देवी के अंतर्गत एक ये हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें नखासा थाने में हिंदूपुरा खेड़ा के पास में एक युवक की लाश बरामद हुई थी। इस लाश बरामदगी के बाद में जब चेक किया गया तो थाना केला देवी में उसकी गुमशुदगी पहले से लिखी हुई थी, उसी के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें आज 2 अभियुक्त, एक जो मृतक है उसकी पत्नी और जो उसका एक साथी है विक्रम, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों भटोला ग्राम थाना केला देवी के रहने वाले हैं। इसमें जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन दोनों के बीच में आपस में अफेयर था। इसमें अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इस महिला के द्वारा उसको पहले बेहोशी की दवा खिलाई गई और घर के अंदर ही उसकी हत्या की गई। चाकू से गला काट कर उसकी हत्या की, उसके पश्चात अपने साथी के साथ में उसकी लाश को सड़क के किनारे डाल दिया। लाश वहाँ पर कुछ दिन पड़ी रही, लेकिन जब किसी और ने नोटिस नहीं किया तो इन लोगों ने उसको फिर से पुनः लाश को वहाँ झाड़ी के पास से निकालकर रोड के पास रखा गया, जिसके पश्चात पुलिस को जानकारी के साथ में प्रयोग किए गए एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, हत्या में प्रयोग किए गए 2 छुरे, 1 दाव और लोहे का जो फरसा है वो बरामद किया गया है। यही आला कत्ल थे। इसके साथ में काली पन्नी, प्लास्टिक के कट्टे जिसमें लाश को बांध कर ये लोग अपने घर से और रोड पर डालने के लिए ले गए थे, वो बरामद की गई है। प्रेमपाल का टूटा हुआ मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा आज किया जाता है। इन दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा गया।